हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल वेब क्लिक में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर ओएस 7 के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रियलमी की जो सीईओ माधव सेठ हैं, उन्होंने हाल ही में कलर ओएस 7 के बारे में जिक्र किया था। और दोस्तों, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि जो कलर ओएस 7 होने वाला है वो स्पेशली रियलमी के डिवाइसेस के लिए ही होने वाला है। और दोस्तों, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो कलर ओएस 7 है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो कलर ओएस 7 होने वाला है वो बिल्कुल एकदम लगभग स्टॉक एंड्रॉयड के जैसा ही देखने में हमें लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ कलर ओएस 7 के कुछ पिक्चर्स इंटरनेट पर लीक हुए हैं और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कलर ओएस 7 जो है वो हमें कैसा दिखेगा जब भी दोस्तों ये अपडेट हमारे फ़ोन के अंदर आएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कलर ओएस 7 की जो कुछ झलक है वो हमें कैसी दिखती है। तो दोस्तों, यहाँ अगर पहले स्क्रीनशॉट की बात की जाए तो ये है स्मार्ट असिस्टेंट का। और दोस्तों, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ जो स्मार्ट असिस्टेंट की पिक्चर्स दी गई है ये पुराने कलर ओएस 6 की है। और यहाँ दोस्तों, स्मार्ट असिस्टेंट की जो कलर ओएस 7 की लेटेस्ट पिक्चर है वो आपको राइट हैंड साइड में शो की गई है। और दोस्तों, यहाँ आप यकीन मानिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जैसा कि यहाँ रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने कहा था कि जो कलर ओएस 7 है स्टॉक टू एंड्रॉयड होगा, और यहाँ लगभग हमें कुछ ऐसी फीलिंग्स आ भी रही है कि जो हमारा कलर ओएस 7 है वो काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। और जैसा कि यहां अगर कलर ओएस 6 की बात की जाए तो यहां स्मार्ट असिस्टेंट के अंदर हमें काफी सारे टैब देखने को मिल रहे हैं अलग अलग, बट यहां हमें कलर ओएस 7 के अंदर इस तरह की कोई भी टैब देखने को नहीं मिल रहे हैं। और बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि एक जगह मर्ज कर दिए गए हैं और काफी बेहतरीन वो देखने में हमें लग रहे हैं। खैर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पुराना वाला स्मार्ट असिस्टेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है या कलर ओएस 7 वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ नेक्स्ट पिक्चर की। तो नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ आपको फ़ोन की सेटिंग्स के बारे में दिखाया गया है, यानी कि फ़ोन की सेटिंग्स दिखाई गई हैं। और दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड पे आपको कलर ओएस 6 की सेटिंग्स दिखाई गई हैं और राइट हैंड पे आपको कलर ओएस 7 की सेटिंग शो की गई हैं। और दोस्तों, यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की सेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और मैं यहाँ अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो कलर ओएस 7 के अंदर जो आपको सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं वो लगभग यहाँ पर हमें स्टॉक एंड्रॉयड जैसी फीलिंग ही दे रही हैं। और यहाँ जो आइकन्स हैं सेटिंग्स के वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और एकदम सिंपल और साफ़ सुथरे हैं। यहाँ किसी भी तरह का हमें कोई भी एक्स्ट्रा आइकन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई आइकन हमें काफ़ी बड़ा शो हो रहा है जैसा कि यहाँ हमें कलर ओएस 6 के अंदर देखें तो हम यहाँ काफ़ी बड़े बड़े आइकन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और जो कि काफ़ी कलरफुल हैं। और दोस्तों, यहाँ जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ रीसेंट एप्लीकेशन के अंदर भी हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ रीसेंट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ आप ध्यान से देखें तो जो रीसेंट एप्लीकेशन को रिमूव करने का जो आइकन्स है वो अभी यहाँ राउंड शेप में मिल रहा है हमें कलर ओएस 6 के अंदर, बट यहाँ हमें कलर ओएस 7 के अंदर हमें ये स्क्वायर की फॉर्म में मिल रहा है और यहाँ स्क्वायर के अंदर क्लियर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें कलर ओएस 7 के अंदर। खैर दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर के बारे में। तो यहाँ हमें वॉल्यूम पैनल को शो किया गया है इस पिक्चर्स के अंदर। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लेफ्ट पिक्चर में देखें वहाँ कलर ओएस 6 के अंदर आपको जो वॉल्यूम कंट्रोल पैनल है वहाँ आपको टोटली ये वाइट कलर का आपको शो हो रहा है। और यहाँ जो कलर ओएस 7 की बात की जाए तो यहाँ ये काफ़ी स्मॉल टाइप का आपको शो हो रहा है और यहाँ इसका जो कलर है वो एकदम से डार्क कलर है। तो दोस्तों, यहाँ आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं और यहाँ आइकन्स में भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। खैर दोस्तों, डिटेल में तो हम आपको तभी बता सकते हैं जब कलर ओएस 7 हमारे फ़ोन के अंदर आ जाएगा या हमारे हाथ में आएगा कलर ओएस 7 का अपडेट। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको कलर ओएस 7 ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आपको कलर ओएस 6 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, इससे पहले जो हमें कलर ओएस 5.2 जो देखने को मिलता था, क्या आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता था? इन तीनों में से आपका जो फेवरेट है वो कौन सा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। खैर दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।